पल पल न्यूज में मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं शाहीन बाग में मौजूद हूं क्योंकि हमने शाहीन बाग की शाहीनों के जज्बे को तो सलाम किया है, पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डीएस बिंद्रा साहब की वायरल होती हुई नजर आई, जो इन शाहीन बाग की शाहीनों के लिए लंगर लगाते हुए नजर आए और उस लंगर के लिए उन्होंने अपने प्लॉट तक को बेच दिया है। किस तरीके से देखते हैं सर इस चीज को, जो आज के टाइम पे मोहब्बत का पैगाम देने की डीएस बिंद्रा जी ने कोशिश की? बिंद्रा साहब की जो कारनामा है वाकई काबिल तारीफ है और जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। हिंदुस्तान की तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब जो रही है उसको बरकरार रखने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को सलाम करना चाहिए। देखिए, मैं किसी सियासी जमात से हूँ उसके बावजूद भी मैं आया हूँ ये देखने के लिए, और ख़ास करके जो कल भी मैं एक यूट्यूब चैनल पर इनको देख रहा था तो दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि उस शख्स से मिला जो वो है, वो कौन शख्स जो अपने घर को बेच के और इसी स्टेशन के लिए साथ दे रहा हूँ। हर इंसान को, हिंदुस्तान के हर इंसान को आईनी दायरे में एहतजाज करने का हक है। उस बुनियाद पे शाहीन बाग में सारे लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, यही तो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, सब लोग मिलके इस स्टेशन में है। मैं इनको सलाम करता हूँ और ख़ास करके शाहीन बाग में आए दिल्ली से आए इनके जज्बे को सलाम और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस तरीके से देखते हैं सर, जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लोग शाहीन बाग के जज्बे को साथ साथ आपके हौसले को सलाम कर रहे हैं। मैं पल पल न्यूज़ का पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस मैं ना तो फेसबुक अपडेट कर पा रहा हूँ ना मैं व्हाट्सअप देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा क्योंकि काम ज़्यादा है और मैन पावर मार्केट कम है, क्योंकि 24 आवर्स का हमने पंगा लिया हुआ है, पंगा लिया हुआ है तो टाइम कम है और एनर्जी भी थोड़ी कम होती जा रही है। मैंने अभी देखा नहीं है क्या चल रहा है फेसबुक पे और कोशिश करूँगा आज बैठ के देखूँगा कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन लोग सेल्फी ले रहे हैं तो मुझे समझ आ रही है कुछ तो हरकत हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो ऊपर वाले ने कुछ हमारे ऊपर कोशिश की है। मैं ऊपर वाले के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये बहनों की दुआएँ हैं, इन शहरियों की दुआएँ हैं। मैं हर पल कहता हूँ कि इनकी दुआएँ भी हैं, इनकी बददुआएँ भी हैं, इनको दुआएं ले लो बददुआएं मत लेना। और ये दुआओं में असर है, देख लो आज हम लोग कहाँ पर हैं, आज इतनी बड़ी शख्सियत जो आज इतनी बड़ी शख्सियत हमें मिलने आई है, शायद हम लोग इस लायक नहीं है, लेकिन ये बहनों की दुआएं हैं जिनकी हमने देख सकते हैं। इमोशनल हो गए डीएस बिंद्रा साहब, ये हमारी देश की पहचान है, एकता है, जो डीएस बिंद्रा जी ने कदम उठाए सर, जो ये भावुक माहौल हुआ इस तरीके से देखते हैं। बिल्कुल, ये जज्बाती मोमेंट है, इसके बयान नहीं किया जाता है और मैंने पहले भी कहा कि इनके जज्बे को मैं सलाम कर रहा हूँ। हम ही नहीं कर रहे, हिंदुस्तान की पूरी आवाम कर रहे हैं, दिल्ली नहीं पूरे देश और दुनिया देख रही है एक शख्सियत को जो अपना मकान देख के आपके साथ खड़ा हुआ, तो जाहिर से मेरा भी फर्ज होता है कि इनकी हौसला अफजाई करें। और ख़ास करके मैं शाहीन बाग और ओखला वाले लोगों से भी अपील कर जितना हर मुमकिन इनकी मदद की जाए, क्योंकि एक मकसद है, उस मकसद में कामयाबी के लिए हमारा भी तमाम ज़रूरी है। मैं पहले दिन से फर्स्ट डे से कहता रहा हूँ कि इनकी दुआ ले, इनकी बददुआ ना ले, क्योंकि इनकी दुआओं में बहुत असर है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत जल्दी में आपने गंगारी का नाम सुना होगा, महाभारत के अंदर उनकी शादी विश्वास से हो गई थी, जब उनको पता लगा कि विश्वास आपके अंधे हैं तो उन्होंने आँखों की पट्टी बांध दी, उन्होंने सारा जीवन जो है अंधेपन में निकाल दिया था और आँखों की पट्टी नहीं खोली थी। वो एक गंगारी ने जब आँखों की पट्टी खोली तो अपना उनका बेटा दुर्योधन जो है वज्र का बन गया। तो जब एक गंदारी की आँखों की पट्टी में इतनी पावर हो सकती है, इतनी शक्ति हो सकती है कि जो आदमी वज्र का बन सकता है पहली नज़र में देखने के बाद, यहाँ जो हमारी बहनें बैठी हैं 70 साल से 80 साल से इन्होंने पर्दा रखा, अपना नाखून तक इन्होंने किसी को देखने नहीं दिया, आज इनको सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है। इनकी दुआ और इनकी बदुआ में बहुत असर है। बस अगर एक गंदारी की दुआ में इतनी असर थी कि आदमी वज्र का बन जाता, तो इन बहनों की दुआ आप देख लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और इन बहनों की बदुआ भी आप देख लेना क्या असर होगा उन काकों का जिन्होंने इनके साथ जो है बद्दा मजाक किया, इनको जलील किया, इनको इनकी इनकी जो इनकी एक ताकत थी उसको उन्होंने ललकारा है, इन शेरनियों की ललकार को ललकारा उन्होंने, और ये जब दहाड़ेंगी ना तो इनकी 6-6 किलोमीटर तक दहाड़ जाएगी। और आप देखना कि ये ऐसा मैं बस आगे नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे इनकी दुआएँ मिल गई हैं, मेरे को जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँच गए, इससे ऊपर और कोई जगह नहीं है।
मुझे चांद पे तो जाना नहीं है, मेरे को इसी समाज में रहना है, इस समाज ने मुझे गले लगा लिया है, तो इस समाज ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी है। सर NRC को लेकर के जो काला कानून था उस काले कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और NRC को बिहार में लागू करने की बात की जा रही है जो केंद्र सरकार ने फरमा दिया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए जहाँ तक सवाल है, देखिए कैब का सवाल है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं इस किसी पार्टी से जुड़ा हूँ। बिहार सरकार ने बहुत पहले, नीतीश कुमार जी ने एक साल पहले ही कहा था कि बिहार में NRC लागू नहीं होगा, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके कि हमारे नेता पर प्रेतम विश्वास है कि किसी भी कीमत पे बिहार में NRC लागू नहीं होने देंगे। जहाँ तक सवाल NPR का सवाल है, तो NPR में कुछ क्लॉजेस हैं जिसमें खुद गवर्नमेंट कहती है कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब मैंडेटरी नहीं है तो फिर उसको देने की क्या जरूरत। उसकी भी बात माननीय मुख्यमंत्री ने 28 तारीख को ये कहा कि पार्लियामेंट में उठाइए और इसको हटाइए, जो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसी आधार पर किया जाए। आप कैब की बात करेंगे कि कैब में समर्थन हमने किया है, मैं मानता हूँ कि CA पे हमने समर्थन किया, लेकिन हमारे साथ साथ जिन लोगों ने भी, जो NDA के घटक दल नेता नहीं थे, उन लोगों ने भी इस कैब का समर्थन किया, आज वो विरोध कर रहे हैं। इस बुनियाद पे भी माननीय नीतीश कुमार जी ने, पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश त्यागी साहब ने भी कहा था कि जब देश स्तर पर एहतजाज हो रहा है तो सर्वदलीय बैठक बुला के इसका समाधान करना चाहिए। मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते इस बुनियाद पे यहाँ पे आया हूँ कि इस मसला को जल्द से जल्द हल किया जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि चूंकि पार्लियामेंट में बिल बन गया है, इसको लागू करना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आपको एहतराम करना चाहिए, उसकी वर्डिक्ट का इंतजार करना चाहिए। सर इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, दिल्ली चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब बिहार चुनाव की तैयारियां किस तरीके से? देखिए बिहार में देखिए NDA के साथ हम लोग हैं, नीतीश कुमार, देखिए मैं चूंकि मुस्लिम हूँ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, 15 साल के लालू यादव जी की हुकूमत को उठा के देखिए, 15 साल में जिस तरह से माइटिस के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है, बिहार में सड़क नहीं थी, सड़क में गड्ढा नहीं था, गड्ढे में सड़क थी। आज जो जाते जो हमारे कई दोस्त जाते कहते हैं कि दिल्ली से कई दादे, मैं समझता हूँ कि शाहीन बाग में बिहार या कि बिहार काफ़ी लोग हैं जो सड़कें उठा के देखिए। गाँव में मैं भी एक गाँव का एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ, 18 घंटा बिजली मेरे गाँव मिलती है, बिहार तरक्की किया है। तो जिस तरह से केजरीवाल जी ने हम यहाँ कहे कि मैंने कुछ काम किया है तो मुझे वोट मिले, मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जितना काम किया बिहार के लिए तो बिहार के फलाह महबूद के लिए दोबारा नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलेगा, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। तो JDU के नेता हमारे साथ अब्दुल अब्बास सर हमारे साथ मौजूद थे, जो DS पिंद्रा के हौसले और जज्बे को सलाम करने के लिए आज शाहीन बाग पहुंचे थे।